आज़ादी का अमृतसर, ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुर्गा पूजा भी इस साल 2 साल बाद धूम धमाके से पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार दोनों को कंबाइन करके कोलकाता के ढाकुरिया के बाबू बगान ने एक वंडरफुल थीम क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए जितने भी 47 से लेकर जितने भी कॉइन्स को कमीशन किया गया था उन कॉइन्स के रेप्लिका को इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 1947 का कमीशन कॉइन है, ये वाला 75 ईयर्स ऑफ नेताजी ने जो फ्लैग होस्ट किया था उसका एक रेप्लिका है, और हमारे पीछे ये वाला 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का एक रेप्लिका है कॉइन। लेकिन इस पंडाल की खूबियत जो है वो हम आपको दिखाएंगे, वो माँ की प्रतिमा है। ये वाला आर्टिस्ट का इंपर्सनेशन है, जहाँ पर यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसा कॉइन निकाले क्योंकि जिसमें माँ की मूर्ति हो और माँ का चेहरा हो, क्योंकि 2022 में यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है बंगाल के दुर्गा पूजा को एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पर। और अगर ये लोग, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करते हैं तो शायद इस साल की सबसे बड़ी खुश न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़ यहाँ के लोगों के लिए वही होगी, और आर्टिस्ट भी यही चाहते हैं। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।